नमस्कार दोस्तों, चंबल प्रवाह में आप सभी का स्वागत है। एक बार पुनः हम पहुंचे हैं तीर्थराज मचकुंड पर, जो कि सदियों से पूजा और अर्चना का स्थल बना हुआ है दोस्तों, जिसे तीर्थों का भांजा भी कहा जाता है। लेकिन जब यहां हमारी टीम पहुंची और यहां की स्थिति देखी तो हमें बहुत दुख हुआ, क्योंकि लोग एक तरफ तो धौलपुर के लोग एक तरफ तो इसकी बड़ाई करते नहीं थकते और दूसरी ओर प्रशासन की जो कमी है, इतनी यहाँ गंदगी है, जो मैं कुछ आपको झलक दिखाता हूँ गंदगी की। जैसा आप मेरे नीचे देख सकते हैं कि कुछ बोतल हैं और मचकुंड में काई जमी हुई है, क्योंकि प्रशासन की जो लापरवाही है वो इससे नज़र आती है। और लेकिन अगर इसकी ग्राउंड पर बात की जाए, इसकी स्थिति को स्थल पर पहुंचकर देखा जाए तो इसकी स्थिति बहुत ही ख़राब है, बहुत ही दयनीय स्थिति में है। और मचकुंड अपनी स्थिति पर रो रहा है और कह रहा है कि मुझे सफाई की ज़रूरत है और मैं तीर्थों का भांजा हूँ, लेकिन मुझे इस तरह मद्देनज़र क्यों नहीं रखा जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ जो पर्यटक आए हुए हैं, कुछ जो साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत से लोग यहाँ पर्यटन घूमने के रूप में आते हैं। रात तो काटी गई है लेकिन इसको यहाँ से उठाया नहीं गया। ये प्रशासन की छोटी छोटी गलतियाँ तीर्थ स्थल पर बहुत बड़ी साबित होती है। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? अमित कुमार जी। तो अमित कुमार जी, मैं आपसे सर्वप्रथम यही जानना चाहूँगा कि आप यहाँ क्यों आए? भरतपुर से यहाँ घूमने आए और घूमने भी तीर्थराज मचकुंड को? बिल्कुल। तो आपने क्या देखा और कैसा लगा? कुछ नहीं, मैंने देखा था यहाँ पे बहुत गंदा पड़ा हुआ है, कई जगह देखो यहाँ पे लोग ये पॉलीथिन वगैरह भी ऐसे ही डाल के जाते हैं। आप मेरे इनके नाम पे ऐसे पड़े हुए पॉलीथिन यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि भाई अमित जी बता रहे हैं कि काफ़ी सारी पॉलीथिन पड़ी हुई है यहाँ पर और गंदगी है, वो आप देख सकते हैं। लेकिन आप यहाँ एक उत्सुकता के साथ आए, यहाँ आप घूमने के लिए आए कि बहुत बड़ा स्थल है, तीर्थों का भांजा है, साथ ही इसका जीके में भी जिक्र किया जाता है, एक बहुत बड़ा इसको मतलब बड़ी दुकान, फीके पकवान यदि मैं कहूँ तो क्या ये सब बिल्कुल उचित होगा? ये यहाँ पर जैसा एक्सपेक्टेशन की थी वैसा कुछ भी नहीं देखने को मिला, वैसा कुछ भी नहीं आपको देखने को मिला है यहाँ पे। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? सर गजेंद्र सिंह। गजेंद्र सिंह जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग भरतपुर से साथ में आए थे, जैसे उम्मीद लेकर आए थे ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब आप यहाँ एक टोली के साथ आए? बिल्कुल। और बहुत ही उत्सुकता के साथ आए कि धौलपुर पहुंचकर हम तीर्थराज तीर्थों के भांजे मचकुंड को देखकर आएंगे और वहां कुछ पूजा अर्चना भी करेंगे और वहां सरोवर में नहाएंगे भी। लेकिन अगर इस स्थिति को देख लिया जाए तो शायद आपका नहाने का मन करेगा? सर यह नहाने का मन बिल्कुल भी नहीं करेगा, जैसा हम एक्सपेक्टेशन लेके आए थे घर से ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। जैसा लोग बताते हैं कि मचकुंड तीर्थों का भांजा आजकल सभी जानते हैं, जीके में भी क्वेश्चन है, ऑल ओवर राजस्थान में भी फेमस है नाम से, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो जैसा कि भाई ने बताया कि दिखावा तो बहुत है लेकिन एक्चुअल में यहाँ कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, मैं और भी इसका भ्रमण थोड़ा सा करता हूँ। यहाँ कुछ महिलाएँ, माताएँ, बहनें भी बैठी हुई हैं, उनसे भी मैं जानूँगा कि आप कहाँ की हैं। हाँ जी, धौलपुर से। तो इस मचकुंड की जो स्थिति है वो गत वर्षों से ऐसी ही है या कुछ सुधार भी होते हैं? जब से आपने देखा इसको इसी प्रकार देख रहे हैं, मतलब जो सरकार द्वारा पैसा आवंटन हुआ उसका कोई फायदा नहीं? तो अगर मैं जमीनी स्तर पर बात करूं तो जैसा आप मेरे देख सकते हैं, पॉलीथिन पड़ी हुई है, गोबर के उपले पड़े हुए हैं और गंदगी का अगर विश्लेषण किया जाए तो बहुत ही दयनीय स्थिति है। और जैसा आप देख सकते हैं, जो याचक आते हैं उनसे भी मेरा निवेदन है, चंबल प्रवाह की ओर से सभी से निवेदन है कि इस प्रकार मूर्तियों को ना फेंकें। जो धार्मिक मूर्तियां हैं, भगवान है, उनका अनादर ना करें। उनसे भी मेरा विनम्र निवेदन है कि मूर्तियों को इस प्रकार ना फेंकें। और दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं, और भी लोगों से मिलूंगा और उनसे भी जानूंगा कि किस प्रकार चंबल की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है और नहीं किया जा रहा है। आप कैमरे के माध्यम से इसकी स्थिति को दरवाजा देख सकते हैं दोस्तों, जैसा कि मेरे नीचे नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं किस प्रकार गंदगी के गुबार लगे हुए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ ट्रांसफार्मर लगा हुआ है,
जो कि विद्युत विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही है, क्योंकि यहाँ कभी भी करंट फैल सकता है और यहाँ जो पशु घूमते रहते हैं उनको कभी भी करंट लग सकता है। और यदि मैं बात करूँ थोड़े से विकास की और नगर पालिका के अच्छे कार्य की, तो मुझे पीछे फुब्बारे नज़र आते हैं जो कि एक प्रशासन की बहुत अच्छी पहल है और दार्शनिक स्थल को अच्छा बनाने के लिए प्रशासन ने थोड़ा सा काम भी दिया है। लेकिन अगर मैं लापरवाही की बात करूं तो मुझे यहाँ गंदगी के अंबार नज़र आते हैं। यहाँ के व्यक्ति जो कि मचकुंड पर घूमने के लिए आए हुए हैं, और शायद निवासी आप धौलपुर के ही हैं? जी हाँ, धौलपुर के निवासी हैं। तो आप, अगर मैं आपसे कहूँ कि मचकुंड के बारे में कुछ बताइए, तो आप क्या बताना चाहेंगे? मचकुंड के बारे में यही बताना चाहूँगा कि पहले कुछ मचकुंड में अलग बात थी, आज के देखने की नज़ारा कुछ अलग है। पहले वास्तव देखा जाए तो कुछ नहीं था, आज जितना गवर्नमेंट ने काम किया है, पहले गवर्नमेंट ने काम किया है, अब भी गवर्नमेंट काम कर रही है, काफ़ी अच्छे देख रहे हैं, नज़ारे मिल रहे हैं, फुब्बारे वगैरह चल रहे हैं, लोग अब यहाँ आने लग रहे हैं, और मुझे भी यहाँ बहुत देख कर खुशी हो रही है। काफ़ी अच्छा विकास हो रहा है धौलपुर के लिए, यहाँ पर्यटक भी यहाँ काफ़ी लोग दूर से दूर से आ रहे हैं, और यही मैं कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपने अमूल्य समय दिया और हमें बताया कि मचकुंड किस प्रकार डेवलप हो रहा है, और भी हम लोगों से अलग। तो दोस्तों, आप जुड़े रहिए चंबल प्रभा के साथ, क्योंकि हम और भी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार मचकुंड का डेवलपमेंट हुआ, किस प्रकार प्रशासन की लापरवाही देखने को मिलती है और क्या क्या मचकुंड में हो रहा है। दोस्तों, आप जुड़े रहिए चंबल प्रभा के साथ। यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप करें और हमें भी बताएं आसपास के अपने दार्शनिक स्थलों के बारे में और वहाँ की स्थिति के बारे में, क्योंकि चंबल प्रभा परिवार ने ये बीड़ा उठाया है कि हर एक दार्शनिक स्थल को और पुरातत्व बिल्डिंग के बारे में हम जरूर बताएंगे और स्थिति का मौके पर पहुंचकर संज्ञान लेंगे। तो मैं अभी, जैसा आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लोग किस प्रकार सेल्फी ले रहे हैं, ये सेल्फी पॉइंट बना हुआ है मचकुंड के फुब्बारे। तो हम लोगों से इसी मुद्दे पर बात करेंगे, मिलेंगे लोगों से कि किस प्रकार ये दृश्य रोमांचित करता है। क्या नाम है भैया आपका? आपको ये नज़ारा कैसा है? शानदार। जैसा कि इनका बताना है कि नज़ारा बहुत शानदार लग रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ बंदर बैठा हुआ है और यहाँ लाइट के जो खंभे हैं उनका जो सिस्टम है वो पूरा खुला हुआ पड़ा है, टूटा हुआ पड़ा है, इससे कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। इतने लोग घूमने आते हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे यहाँ घूमने आते हैं, और यदि किसी बच्चे ने हाथ लगाया और भगवान न करे कुछ गलत हो जाए तो कौन जिम्मेदार है? सर, मैं कुछ कहना चाहूँगा। आप बिल्कुल बोलिए। सर, मेरे है ना पड़ोस में ऐसी घटना होती है, ये गलत है और मैं चाहूँगा इसको सही कराया जाए। इनका कहना है कि प्रशासन की लापरवाही है। लापरवाही बिल्कुल खत्म। आप अपने बच्चे को साथ लेके आए, बिल्कुल किस प्रकार की जिम्मेदारियाँ बढ़ जाए। अगर मेरा बच्चा इसको खत्म करता है तो मैं इसको क्या कहूँगा? ये गलत है और मैं चाहूँगा इसको कार्रवाई होनी चाहिए। विद्युत विभाग की भी लापरवाही यहाँ नजर आती है, और एक नहीं, ये तो एक खम्भा दिखाया, हर एक खम्भे की किसी प्रकार की स्थिति है। यहाँ कितने लोग आए हैं उनसे भी कुछ गलत होगा, और कुछ प्रश्न है मेरे वो मैं आपको देखता हूँ। तो आपको ये नज़ारा कैसा रहा? नज़ारा बहुत ही सुंदर है, इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, लोगों की आस्था बढ़ती है। धौलपुर के बारे में लोग जानते हैं, तीर्थ नगरी इसको बढ़िया कहते हैं। इन्होंने, जैसा इन्होंने बताया कि यहाँ जो फुब्बारे लगे हुए हैं, यहाँ की सेवा को बढ़ाने के लिए जो कार्य प्रशासन द्वारा किए गए हैं वो बहुत ही सराहनीय है। लेकिन अगर मैं सर आपसे प्रश्न करूँ यहाँ की गंदगी के बारे में, तो आप क्या कहते हैं? गंदगी पहले बहुत ज़्यादा थी, अब उसमें सुधार हुआ है, लेकिन अभी और सुधार की आवश्यकता है। धीरे धीरे नगरपालिका के द्वारा इस क्षेत्र में कार्य किया जाए तो वो सराहनीय है, इसमें और लोगों की आवश्यकता है। यहाँ पर जो खंभों के बोर्ड हमने देखे भूल कर और अपने दर्शकों को दिखाए तो वो टूटे पड़े हैं, और जो जैसा मुझे आप देखने को मिल रहा है, आप फैमिली के साथ आए हुए, तो भगवान न करें किसी बच्चे के साथ कोई दुर्घटना हो, तो आप उसके ये जो विद्युत विभाग की लापरवाही है उसके बारे में आप? विद्युत विभाग की लापरवाही बहुत ही असहनीय है,
इतनी लापरवाह जितने विभाग का कार्य है उतना किसी विभाग का नहीं है। यह न कि समय पर व्यवस्था की सुचारू करते हैं, केवल पड़ी हुई है। जब तक जनधन जन की हानि या धन की हानि नहीं होती तब तक उनका उनके वोट कायम नहीं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये फुहारे जो है वो मोटर के जरिए चल रहे हैं, और यदि इस मोटर में तार भी बना होगा और ये लाइट भी चल रहे हैं, तो यदि इस मोटर के तारों में विभाग की लापरवाही से यदि कोई कट हो जाता है या कोई डोरी टूट जाती है, तो मेरे जो पानी दिख रहा है उसमें करंट फैल जाएगा, और करंट फैलने के कारण कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है।